الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. एक और बहुत बड़ा कबीरा गुनाह जिसको अहदीस में बहुत बड़े जुर्म से ताबीर किया गया है वो है ज़िना करना. ज़िना इतनी बड़ी बुराई है, इसकी सज़ा दुनिया में जो सज़ा है वो भी अल्लाह ने बयान की और आखिरत में जो सज़ा है उसको भी बयान किया. दुनिया में ज़ानी की सज़ा क्या है? इरशाद फरमाया कि ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द को 100-100 कोड़े लगाओ, और जब तुम्हें इनको कोड़े मारो तो तुम्हें अल्लाह की हद जारी करते हुए इन पर तरस नहीं आना चाहिए, यानी तुम्हें नरमी नहीं आनी चाहिए. वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुन मिनल मुमिनीन, और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात होनी चाहिए जो कि इस अज़ाब को अपनी आँखों से देखे. इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अल्लाह ताला को इस ज़िना वाले अमल से कितनी नफरत है. आज बहुत से नौजवानों में, लड़कों में भी, लड़कियों में भी ज़िना का रिवाज बढ़ता चला जा रहा है. बहुत आराम से ज़िना कर लेते हैं, बेदीन तो करते चले जाते हैं और दीनदार ये सोच के करते हैं कि हम बाद में तौबा कर लेंगे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़्नी ज़ानी हीन यज़्नी वहुवा मुमिन, जब कोई शख्स ज़िना करता है तो उस वक्त उसके दिल से ईमान निकल जाता है. इतनी बेग़ैरती, इतनी बेशर्मी वाला काम है कि मोमिन हो के ये काम किया ही नहीं जा सकता. हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जो बिल्कुल नंगे थे, उनमें मर्द भी और नंगी औरतें भी, आग में जल रही हैं और जैसे ही आग के शोले बुलंद होते हैं तो इनके जिस्म भी ऊपर की तरफ उठते हैं. आग में उनको जलाया जा रहा है, नंगे मर्द, नंगी औरतें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के ज़िनाकार हैं, वो मर्द और औरतें जो ज़िना किया करते थे. इसलिए दुनिया में तो ये बुराई बढ़ती चली आ रही है, लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला ने जो निकाह का कानून बनाया है, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह माँ हव्वा से कराया और फिर नसब को चलाया उनसे आगे, वह समीन हमारी जाल कसीर हों निसा, तो ये जो निसाब अल्लाह ने बनाया है, निज़ाम अल्लाह ने बनाया है, ये ऐसे ही नहीं बनाया. अगर ज़िना की इजाज़त होती है तो शादियों का हुक्म क्यों दिया जाता? तो अपनी ख्वाहिश को पूरे तरीके से पूरी करना, अपने ख्वाहिश को नाजायज़ रास्तों से पूरी करना, ये अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाली बात. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فرمایا إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شہوانی خواہش کو صرف اپنی زوجہ کے ذریعے پوری کرتے ہیں, بیوی کے ذریعے پورا کرتے ہیں, اور جو اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا تو یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ کی حدود کے قریب جانا, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا کہ اللہ کی حدود ہے, ان کے قریب بھی مت پھٹکو, دور رہو ان سے. اسی وجہ سے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اس لیے کہ زنا ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کے قریب چلے گئے تو آپ پڑ جائیں گے, کیونکہ انسان کے لیے پھر اپنے نفس کو روکنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. یورپ میں رہنے والے مسلمان یا عرب کنٹریز میں جہاں عیاشی ہے, دبئی, بحرین وغیرہ, بہت سے لوگ نائٹ کلبوں میں چلے جاتے ہیں, نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم زنا نہیں کریں گے, بس عیاشی دیکھ کے آ جائیں گے. انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, اللہ کہہ رہے قریب بھی مت جاؤ ایسی بےہودہ مجلسوں کے, لیکن جب چلے گئے تو پھر شیطان ان کو اس برائی میں ڈال دیتا ہے. اور پھر میرے پاس کتنے نوجوان آ چکے ہیں جو دبئی گئے, بحرین گئے, نیت اچھی تھی ان کی, کمانے کے لیے گئے تھے, اور پھر کہتے ہیں ویسے ہی ہم تفریح میں کسی نائٹ کلب میں چلے گئے دیکھنے کے لیے, شیطان نے ہمیں اس برائی میں ڈال دیا, زنا کروا دیا. میرے پاس آ چکے ہیں یہاں پر ایسے نوجوان, کہہ رہے ہیں اب ہم اتنے پریشان ہیں
ऐसी लत पड़ चुकी है इस गंदगी की कि अब इस लत से निकलना चाहते हैं मगर निकल नहीं पाते। तो अपने आप को भाई यहां तक लेकर क्यों गए हो? हदीस से पता चलता है कि जो शख्स जिना नहीं छोड़ता बुढ़ापे में भी करता रहता है, वो बुढ़ापे में भी उसको शौक होता है जिना करने का। तो इसलिए ये बदतरीन अंजाम सोच के डरना चाहिए। दुनिया कुछ नहीं कहती आजकल जिना का, आजकल तो लड़के नौजवान फख्र से बताते हैं कि हम जो है इतनी लड़कियों से हमारे नाजायज ताल्लुक आते हैं। आज वो दौर नहीं है जिसपे गुनाह पे इंसान को निदामत हो, लेकिन ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला कयामत के दिन इंतकाम लेगा। ऐसे ही थोड़ी अल्लाह ने इतनी बड़ी सजा रखी, और शादीशुदा मर्द वो अगर जिना करे उसकी सजा तो बहुत ही सख्त रखी गई है कि पत्थरों से मार के इसको हलाक कर दिया जाए। हदीस में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेराज की रात में आपने कुछ लोगों को देखा जो बदबूदार गोश्त खा रहे थे, साफ सुथरा गोश्त पड़ा हुआ था एक तरफ, हलाल गोश्त उसे छोड़ के मुर्दार का बदबूदार गोश्त खा रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आपकी उम्मत के शादीशुदा जिनाकार लोग हैं, जो घर में हलाल बीवी को छोड़कर बाहर तवायफों के पास जाकर मुँह काला करने वाले लोग हैं। तो ये इसलिए अल्लाह इनको इस हलाल पाकीज़ा गोश्त से हटा के सड़ा हुआ गोश्त खिला रहे हैं, मुर्दार गोश्त की ये वही चीज़ जो तू दुनिया में खाते रहे। तो इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना से बचने के तरीके भी बताए हैं। उनमें सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे ज़्यादा मुअस्सर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है बुखारी सही है मुस्लिम की हदीस है, या माशर शबाब मैबाबा फैज फ़ैन बसर व अहसन फ़र्ज वमल्लम सौ। क्या नौजवानों तुम में जिसमें भी ताकत हो, यानी जिसको भी रिश्ता मिल सकता हो निकाह के लिए, उसे चाहिए कि वो शादी करे, इसलिए कि शादी करने से उसकी निगाहें भी झुक जाएंगी और उसकी शर्मगाह भी हराम चीज़ों से महफूज हो जाएगी। निकाह ऐसी चीज़ है जो इंसान को बुराइयों से रोक देता है। एक शादी अगर काफ़ी नहीं है तो अल्लाह ने मुसलमान मर्द को चार शादियों की इजाज़त दी है, आप दूसरी शादी करें वो भी काफ़ी नहीं हो रही, आपकी सेहत बहुत अच्छी है तीसरी कर लें, वो भी काफ़ी नहीं हो रही चार कर लें, फिर भी अगर काफ़ी नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप ठरकी हैं, आपका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, ठरकियों के लिए कवानी नहीं मिलते। तो अल्लाह ताला ने अदल की शर्त के साथ मुसलमान मर्द को इसकी इजाज़त दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बयान इस किस्म के नौजवानों ने सुने, कई नौजवान मेरे पास आ चुके हैं जो कहते हैं कि हम जिना के करीब पहुँच चुके थे, करीब था कि जानी बन जाते, लेकिन निकाह के ख्याल ने हमें रोक दिया, हमने कहा हम शादी करेंगे, और फिर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी शादी की, बाद में तीसरी शादी की, और इस अमल की बरकत से उनसे जिना के से बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब परेशानी बहरहाल उन पर आती है, एक दो है तीन बीवियाँ रखने में मुश्किल होती है, लेकिन वो इन मुश्किल को अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमने अल्लाह के लिए की है अपने आप को जिना से बचाने के लिए, अब इंशाल्लाह इसमें अल्लाह हमारी मदद करेगा, और वाकईतन अल्लाह की तरफ से मदद करती है। तो जिना के करीब ना फटकें, और जिना से बचने का जो नुस्खा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस नुस्खे पर अमल करें, वो है निकाह वाला नुस्खा। और फरमाया वमन लम यस्तति, और जो निकाह ना कर सकता हो, क्यों नहीं कर सकता? बाद वालदैन की तरफ से इतनी सख्त रुकावट होती है कि वो इबरत का निशान बना देते हैं वालदैन अगर निकाह कर लिया आपने। ऐसे भी वाकयात आते हैं कि बास नौजवानों ने वालदैन को बताए बगैर निकाह कर लिया, पहले तो कोशिश की वालदैन को मनाने की, नहीं माने। उन नौजवानों को डर था कि हमने अगर निकाह किया तो, निकाह नहीं किया तो जिना हो जाएगा, तो छुप के निकाह कर लिया, वालदैन को पता चला तो इतना हंगामा हो गया कि वो खुदकुशी तक के वाकयात किए हैं उसमें। तो जब दम नहीं हो इंसान में फिर ऐसे काम नहीं करने चाहिए, हौसला हो तो फिर इंसान करे ये काम। तो बहरहाल शरीयत तो यही कहती है हौसला करो और निकाह करो, निकाह में किसी की नहीं सुनो, क्योंकि अल्लाह का हक़ है निकाह करना, जिना से बचाना अपने आप को अल्लाह का हक़ है। अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन, वालदैन अपनी बाले औलाद को शादी से नहीं रोक सकते, इसकी वालदैन को शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। अलबत्ता शादी है अपने खर्चे पर, वालदैन के खर्चे पर नहीं है शादी, ये जहन में रखिए, अगर वो कर देते हैं तो वो उनकी तरफ से एक एहसान होगा। तो बहरहाल अगर किसी में ताकत नहीं है, रिश्ता ही नहीं मिल रहा, या किसी भी लिहाज से उसमें हिम्मत नहीं है, तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ाली सऊम, वो कसरत से रोज़े रखे, अला ज़रर के लिए कसरत से रोज़े रखे, एक दो रोज़े नहीं, रोज़े कसरत से रखने से उसमें तकवा पैदा होगा, लिलाहियत पैदा होगी। रोज़ा इंसान को हलाल ख्वाहिशात से रोक देता है, हराम से तो बदले के औला रोकेगा। ये काम करके अपने आप को ज़िना से बचाना चाहिए।
और एक आयत सोचनी चाहिए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल यस्ताफिल लदीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि जिनमें निकाह की ताकत नहीं है वो अपने आप को हराम कारियों से बचा के रखें। और फिर अल्लाह ने उम्मीद दिलाई कि इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे लिए शादी का बंदोबस्त करा देगा, निकाह का बंदोबस्त करा देगा, अल्लाह तुम्हें भी गनी कर देगा। जितनी बड़ी बशारत है, फरमाया कुछ दिन ठहर जाओ, सारी ज़िंदगी कवारे मिल जाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी भी हो जाएगी। ये हुक्म मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। आज लड़कियाँ भी बहुत जो है ना आपे से बाहर होती चली जा रही हैं, और वो भी बड़े आराम से जिना के लिए आमादा हो जाती हैं। अल्लाह इस बदबख्ती से हमारी निजात अता फरमाए, हमें पाकीज़ा और साफ माशरा नसीब फरमाए, और हमारे दामन को अल्लाह ताला इस किस्म की गंदगियों से हमेशा पाक साफ रखे। इसलिए कि जब तक अल्लाह की तौफीक ना हो, इंसान खुद नहीं बच सकता। इंसान को खुद की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए कि इस गंदगी से अल्लाह हमें हमेशा महफूज रखे, और अगर किसी से हो गया तो गिड़गिड़ा के अल्लाह से तौबा करके हमेशा के लिए इसको छोड़ दे। सुभानअल्लाह व बिहमदिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अस्तगफिरुहु व अतूबु इलैह।